Yamuna Jai. Aapnara Bholan Achat Ga. Aapnara Bhalo Achat Ga. समस्त त्रिपुरा वासी के अमार प्रीति शुभेच्छाओं भलो भाषा जानता छे मंच पर विराजमान त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे युवा साथी श्रीमान विप्लव कुमार देव करमचारा से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान दिवाचंद्र अंखाल जी श्रीमान टीकू रॉय श्रीमान जादवलाल नाथ श्रीमान विश्वबंधु सेन श्रीमान नीतीश के श्रीमान शंभुलाल चकमा श्रीमती संतवाना चकमा सुश्री कावेरी सिन्हा इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के श्रीमान प्रेम कुमार रियांग जी श्रीमान मनोज कांति देव श्रीमान आशीष दास श्रीमान भगवान दास श्रीमान परिमाल देव बर्मन जी श्रीमान विनय भूषण दास श्रीमान फणीन्द्रनाथ शर्मा जी श्रीमान धनंजय त्रिपुरा जी श्रीमान सुधांशु दास जी श्रीमान प्रदीप कुमार नाथ जी थोड़े आगे आ जाइए सबकी फोटो एक साथ आ जाए मेरे साथ सब बोलिए भारत माता की भारत माता की चलो पलटो चलो पलटो चलो पलटो मैं जहां भी देख रहा हूं लोग ही लोग हैं ऐसा मानव सागर शायद ही किसी चुनाव रैली में इतने छोटे से राज्य में दिखाई देता है क्या कमाल कर दिया है आप लोगों ने जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं भाइयों बहनों ये मैं देख रहा हूं पिछले 20 साल से आपके अंदर जो गुस्सा दबा पड़ा है सरकार की सरकार के सामने आपके मन में जो रोष है ये उस गुस्से का प्रतिबिंब नजर आ रहा है
भाइयों बहनों, चुनाव कोई विधानसभा में कौन चुन करके आए इसके लिए नहीं है। त्रिपुरा का चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने इतना सीमित नहीं है। किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने इतने मात्र का फैसला नहीं है। ये चुनाव त्रिपुरा के नौजवानों का भविष्य क्या होगा उसका फैसला करने के लिए चुनाव। त्रिपुरा का भावी जीवन कैसा होगा, 25 साल हो गए त्रिपुरा ठप पड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, लगता है कभी कभी तो कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, कभी कभी लगता है उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं आज सुबह से त्रिपुरा में जो दृश्य देख रहा हूं, जो मिजाज देख रहा हूं, मुझे लगता है ये चुनाव कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। त्रिपुरा का चुनाव त्रिपुरा की जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। देश देखेगा किस एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जनता जनार्दन है, ये देश देख रहा है भाई। और ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है, लेकिन जो दृश्य मैं देख रहा हूं, मैं विश्वास से कहता हूं अब माणिक सरकार का बचना मुश्किल है। यह साफ नजर आ रहा है कि ये सरकार अपने ही पापों से अपने ही कुकर्मों से अपने ही लोकतंत्र विरोधी मानसिकता के कारण उसने स्वयं ने अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया है। भाइयों बहनों, मैं त्रिपुरा की जनता को विश्वास देने आया हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास रखा है, हमारे साथी दल के प्रति जो विश्वास रखा है, आपके विश्वास को बरकरार रख के 5 साल में हम उन कामों को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां लोकतंत्र का नामो निशान नहीं, और त्रिपुरा अगर दिल्ली के कहीं पास में होता है तो यहां की सरकार की धज्जियां उड़ गई होती, ये तो इतने दूर बैठे हैं। और इसलिए और दिल्ली में उनके पापों को दबाने वालों की फौज बैठी हुई है, इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन जनता की नजर से नहीं बच सकते। और मैं साफ देख रहा हूं,
करोड़ों भाइयों बहनों, आपने जो नारा लिया है, जनता जनार्दन के दिल की जो आवाज निकली है, हर त्रिपुरावासी कह रहा है चलो पुलटॉय। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आप मुझे बताइए, ये वाम दल की सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? त्रिपुरा में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? त्रिपुरा के नौजवानों का भाग्य बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? त्रिपुरा के किसानों की स्थिति ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? त्रिपुरा में बुजुर्गों को बीमार हो तो दवाई दवाखाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर हमें यहां से अगरतला जाना है तो अच्छी सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, बिजली चाहिए तब बिजली मिलनी चाहिए, पानी चाहिए तब पानी मिलना चाहिए, लेकिन 20 साल 25 साल से एक सरकार बैठी है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। अब दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मोदी से जवाब मांगती है रोजगार का। अरे मोदी से जवाब मांगने से पहले आपकी अपनी सरकार को पूछो, सरकार में जो पद खाली है उसमें भर्ती क्यों नहीं करते हो? त्रिपुरा के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं देते हो? एक तरफ बेरोजगारी बढ़ाना और हिसाब दिल्ली सरकार से मांगना, यह आपका समय है 20 साल के अपने कारनामों का त्रिपुरा की जनता को जरा हिसाब दीजिए। भाइयों बहनों, स्वतंत्र राज्य के रूप में त्रिपुरा का जन्म 1972 में हुआ, 2022 में ये हमारे त्रिपुरा की गोल्डन जुबिली होगी, 50 साल होंगे और देश की आजादी के 75 साल होंगे। जो काम पिछले 50 साल में होने चाहिए थे, जो अधूरे पड़े हैं, भाइयों बहनों, 2022 जब हम 50वीं जयंती मनाएं तो वो सारे काम पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो सारे काम आने वाले 5 साल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के नागरिकों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के मजदूरों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ की माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 2022 तक ये सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये 20 साल से बैठे हुए लोग करेंगे क्या? ये जो सरकार बैठी है वो करेगी क्या? पूरी ताकत से बताओ, करेगी क्या? करेगी क्या? नहीं करेगी ना, पक्का विश्वास है ना? फिर इसको रखने की जरूरत क्या है? इसको उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? सचमुच में एक नई सरकार लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? और आप मुझे बताइए भैया, दिल्ली में आप लोगों ने मुझे बिठाया है और त्रिपुरा में आप भाजपा की सरकार बनाएंगे तो त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए दो दो इंजन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? एक त्रिपुरा का इंजन
और एक दिल्ली का इंजन। त्रिपुरा तेज गति से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सारी जो कमियां रह गई है पिछले 45 साल में, वो सारी कमियां पूरी होगी कि नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपको वादा करने आया हूं, मुझे त्रिपुरा में कुछ अच्छा करना है। एक ऐसी सरकार बना दीजिए ताकि दिल्ली से जो पैसे हम भेजते हैं, पाई पाई का उपयोग आपकी भलाई के लिए होना चाहिए, ये लाल झंडे फहराने के लिए नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं भाइयों बहनों, ये आपसे छुपा के रखते हैं। त्रिपुरा के अंदर अगर 100 रुपये का भी बजट है तो उसमें 80 रुपया दिल्ली से भारत सरकार भेजती है। 100 में से 80, अगर 1000 है तो 800, अगर 1 लाख है तो 80,000, अगर 1 करोड़ है तो 80 लाख रुपया दिल्ली से भारत की सरकार भेजती है, भाजपा की सरकार भेजती है। उन पैसों का उपयोग यहां नजर आता है क्या आपको? कोई काम नजर आता है क्या? तो हम दिल्ली से कितना ही भेजे लेकिन यहां से कहीं और चला जाएगा तो त्रिपुरा का भला होगा क्या? होगा क्या? ये बजट बनाते हैं, बड़े बड़े आंकड़े लगाते हैं ताकि दिल्ली से पैसे मिल जाए, और बाद में हालत यह है कि उन पैसों का उपयोग भी नहीं कर पाते। दिल्ली से भेजे हुए पैसे कभी कभी तो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, वो काम तक नहीं करवा पाते। आप बताइए, ऐसी सरकार रख करके त्रिपुरा का भला होगा क्या? इस देश में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी को देश की सेवा करने का मौका मिला, तब वाजपेयी जी ने ये हमारे पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कदम उठाए। डोनर मंत्रालय बनाया था, अलग मंत्री बनाया और सभी विभागों को कहा कि आपके बजट में जो 10% जो है आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना होगा, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, असम हो, इन राज्यों के लिए खर्च करना होगा। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय, नॉर्थ ईस्ट के कल्याण का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। हम आए, हमने तय किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमने कहा अगर भारत का विकास करना है, संतुलित विकास करना है, तो भारत के पूर्वी छोर का भी विकास होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का विकास होना चाहिए, त्रिपुरा का विकास होना चाहिए। अगर हमारा त्रिपुरा पीछे रह जाता है तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। देश तभी आगे बढ़ेगा जब त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, असम हो, नागालैंड हो, ये हमारे राज्य आगे बढ़ने चाहिए। और इसलिए आजादी के बाद भारत सरकार के जितने मंत्री नॉर्थ ईस्ट में आए होंगे, आजादी के बाद 70 साल में जितने मंत्री आए होंगे, मेरी अकेले की सरकार के कार्यकाल में उससे ज्यादा मंत्री यहां के अलग अलग इलाकों में रूबरू आए हैं, आपके सुख दुख को जानने का प्रयास किया है,
आपकी मुसीबतों का समाधान करने के लिए प्रयास किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है जिसको हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के विकास को वो प्रतिबद्ध है, देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है। देश के दूर दराज के इलाके में जो ये मानते हैं कि जो ये हमारा पूछने वाला नहीं है, छोटा सा काम और दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज हमने ऐसी व्यवस्था की है कि नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को दिल्ली में आकर के कभी हाथ फैलाना न पड़े। हमारी सरकार खुद आपके द्वार आती है, सचिवालय हम भेजते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सेक्रेटरी को हम अलग अलग राज्यों में भेजते हैं और पूरा दिल्ली सरकार का सेक्रेटरीट आपके दरवाजे पे आके बैठ जाता है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आपकी रूबरू में आपके घर के द्वार पे आकर के किया जाए। भाई बहनों, हम विकास के सपनों को लेकर के चलते हैं। जब आजादी के 75 साल देश बनाएगा और आप जब अपनी गोल्डन जुबली बनाएंगे, एक ऐसा सुवर्ण अवसर है कि भारत सरकार की भी उस दिशा में जाने की योजना आपकी भी योजना बन जाए और दोनों मिलकर के काम करें तो त्रिपुरा के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया भाई बहनों, महाराजा वीर विक्रम आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता, लेकिन उनके जो सपने थे पर्यटन को विकसित करना, उनके सपने थे, उन सपनों को पिछले 20-25 साल में कम्युनिस्टों ने उन सारे सपनों को रौंद दिया, उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। भाई बहनों, वीर विक्रम जी ने आधुनिक त्रिपुरा बनाने का जो सपना देखा था, उस सपने को इन्होंने खत्म कर दिया है। हमें फिर से एक बार संकल्प करना है कि उनके सपनों के जो अधूरी चीजें रही है, नई सरकार आकर के उसको पूरा करेगी और आधुनिक त्रिपुरा बनाने की दिशा में हम काम करेंगे और उस दिशा में पढ़ना काम करना होगा। भाइयों बहनों, ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बड़ा ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे हैं। आप त्रिपुरा वालों को पता है कि वो किस प्रकार से पार्टी के लिए चंदा लेते हैं। उनके यहां संविधान की पार्टी का ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, पार्टी लेवी का चंदा एकत्र करने के लिए पार्टी लेवी का। आप अगर यहां ऑटो रिक्शा चला दोगे तो भी आपको उनके लोगों को लेवी देनी पड़ती है। आप छोटी दुकान चलाते हो, उनको लेवी देनी पड़ती है। आपको शिक्षक की नौकरी चाहिए, उनको लेवी देनी पड़ती है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये जनता के ऊपर जुल्म है कि नहीं है? आप बताइए, जनता पर जुल्म है कि नहीं है? ऐसे जुल्मी शासकों का जाना जरूरी है कि नहीं है? पार्टी लेने के नाम पर हर व्यक्ति से इच्छा अनिच्छा के भी बावजूद भी दबाव डाल करके उससे रुपये मार लिए जाए। भाई बहनों, यहां तो सरकार और पार्टी में कोई भेद ही नहीं पता चलता। अगर आपको पटवारी से शिकायत है तो शिकायत तब तक शिकायत नहीं मानी जाती जब तक कि वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर न कहे। सारी सरकार को गांव गांव गली गली उन पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हीं की पक्षमपी करनी पड़ती है, उन्हीं की इच्छा के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी बेटी पर बलात्कार हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की जमानत दबोच ली जाए और अगर आप शिकायत करने जाएं तो पुलिस थाना वाला कहता है पहला इस इलाके का जो कांग्रेस पार्टी का नेता है जरा उसको फोन करवा दीजिए, बाद में एफआईआर लिखेंगे,
तब तक एफआईआर नहीं है। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? क्या ये लोकतंत्र है क्या? क्या आपको इस प्रकार की गुंडागर्दी से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जुल्म से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो मुक्ति पाने का रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता है, मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर के और घर से निकलते समय मन में बोलते चलिए, चलो पैसा आए, चलो पैसा आए, चलो। और जब बटन दबाएंगे तो भी मन में दो बार बोलिए, चलो पैसा आए, चलो पैसा आए। जैसे ही चलो पलटा करके बटन दबाओगे कमल के निशान पे और हमारे साथी दल के निशान पर, आप देखिए ये सारी मुसीबतें वो दूर करने की ताकत आपकी एक उंगली में है, उंगली में। मौका आया है, जाने मत दीजिए। मौका आया है, जाने मत दीजिए और आधा अधूरा कभी करिए मत भाई। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज लंदन में जाओ, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कैनेडा में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? डंका क्यों बज रहा है? ये सारी दुनिया में डंका क्यों बज रहा है? कारण नहीं बज रहा है, ये डंका आपके कारण बज रहा है, देशवासियों के कारण। 1,500 करोड़ देशवासियों ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री जब भी किसी को मिलता है तो सामने वाला मोदी को नहीं देखता है, 1,500 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखता है। यह हमारी ताकत है। आप मुझे बताइए, यह त्रिपुरा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? सारे हिंदुस्तान में त्रिपुरा का डंका बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में लोग त्रिपुरा का जय जयकार करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अगर ये करना है तो पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनानी होगी। आधा अधूरा निर्णय मत करना। जी जान से एक बार 20 साल के जुल्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का ये मौका आपके पास है। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके लिए जीना मरना जानती है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप मुझे बताइए, अगर यहां किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो अस्पताल के लिए अगर कहा तक जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता? क्या यहां मेडिकल कॉलेज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि नहीं लगे हैं? गंभीर आरोप लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा ही होता रहा तो बुजुर्ग अगर बीमार होते हैं, अचानक कुछ हो गया किसी को, तो उसकी तो जिंदगी खतरे में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का, पीएम बीजेपी।
ये प्रधानमंत्री जन औषध परियोजना, 800 जितनी दवाइयां, जो कोई दवा 100 रुपये में मिलती है वो आज 10 रुपये में मिलने लगी है, जो 150 में मिलती थी वो 12 रुपये में मिलने लगी है। ऐसे देश में 3000 केंद्र खोले, क्या इसका लाभ त्रिपुरा को मिला चाहे नहीं मिला था? ये काम मैं कर रहा था। भाई बहनों, हमने इस बजट में आपने देखा होगा, इस बजट के अंदर हमने आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लेकर के आए हैं। अगर कोई भी गरीब परिवार होगा, अगर उसके घर में कोई बीमारी आई, ऑपरेशन सर्जरी करने की जरूरत पड़ गई, 10 दिन 15 दिन महीना अस्पताल में रहने की नौबत आ गई, उस परिवार को दवाई के पीछे, उपचार के पीछे 5 लाख रुपए का अगर खर्च होगा, तब तक वो पैसा दिल्ली की मोदी सरकार देगी। और इसलिए भाइयों बहनों, और कुछ लोगों में इसका भी विरोध है, आप मुझे बताइए, हमारे देश के बालकों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नौजवान को अच्छी कमाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी सपने को लेकर के कर रही है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, युवाओं को अच्छी कमाई हो और बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इस सपने को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों हम कल काम कर रहे हैं। त्रिपुरा, ये कांग्रेस पार्टी के लोग दुनिया भर में भांति भांति के प्रचार प्रचार करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन देश को जान करके चौंकाना हो जाएगा कि पूरे देश में जो ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे हैं वो देश की जो एवरेज है उससे भी ज्यादा ड्रॉप आउट त्रिपुरा में है। अगर इसी प्रकार से बच्चे स्कूल छोड़ करके चले जाएंगे तो भाइयों बहनों क्या होगा? 10,000 अध्यापकों की भर्ती, त्रिपुरा में 10,000 अध्यापकों को नौकरी दी गई, टीचर्स को घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दंडा मारा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, आप मुझे बताइए ये कारनामा आप नौजवानों के अधिकार को छीनने वाला है कि नहीं है? कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, अब आप मुझे कहीं हिंदुस्तान भर में जो सरकारी मुलाजिम है, भारत सरकार के जो सरकारी मुलाजिम है, यहां त्रिपुरा में भारत सरकार का अफसर होगा तो उसको एक पगार, लेकिन त्रिपुरा सरकार का अफसर होगा दूसरा पगार, भारत सरकार का प्यून भी होगा ज्यादा वेतन, त्रिपुरा सरकार का प्यून होगा कम वेतन, भारत सरकार का ड्राइवर यहां होगा ज्यादा वेतन, त्रिपुरा सरकार का ड्राइवर होगा कम वेतन। जो भाई कारण मालूम है, ये जब से श्रीमान सरकार बैठे हैं, उन्होंने इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा दबोच के रखा है, ऐसा दबोच के रखा है कि 96 के बाद कोई पे रिविजन ही नहीं किया, फोर्थ पे कमीशन वाला तनखा चल रहा है। भाइयों बहनों, देश में सरकारी मुलाजिमों को 7th पे कमीशन दिया जा रहा है, 7वां पगार पंच का पैसा दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए ये त्रिपुरा सरकार के गवर्नमेंट
मुरादीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इनका शोषण है कि नहीं है। अगर आप इनका शोषण करेंगे तो वो ठीक से काम करेंगे क्या? आप इनका शोषण करेंगे तो दूसरी जगह से पैसे मारने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे क्या? वो पैसा आपका लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? क्या उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सेवन पे कमीशन लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 20 साल हो गए देश भर में मजदूरों के हितों के नारे लगाने वाले अपने राज्य में सरकारी मुलाजिम को फोर्थ पे कमीशन के तंखा पर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं सभी सरकारी मुलाजिमों से कहना चाहता हूं, मैं उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, उनके यार दोस्तों को कहना चाहता हूं, उनकी भावी पीढ़ी को कहना चाहता हूं, 20 साल से जो हक आपको नहीं मिला है, 7वां पगार पंच लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। कब तक आप लूटते रहोगे? अरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में अरे किसी कारखाने में ये लाल झंडे वालों का यूनियन हो और 2 रुपया का इधर उधर हो जाए तो लाखों करोड़ों के कारखाने को ताले लगा देते हैं और मालिक की गाड़ियों को चढ़ा देते हैं ये लाल झंडे वाले। मिनिमम वेजिंग पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम वेजिंग दिया जाता है। ये त्रिपुरा ऐसा है क्या? कांग्रेस बैठे अब देश भर में मिनिमम वेजिंग की मांगे करते हैं। ये त्रिपुरा के अंदर यहां के मजदूरों को मिनिमम वेजिंग नहीं दिया जा रहा है, उनका हक तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो कई वर्षों से आपके साथ अन्याय हो रहा है वो अन्यायों से मुक्ति दिलाने का काम और इसलिए बीजेपी की सरकार बनाने के भाई और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। भाई बहनों, कृषि सिंचाई योजना, खेत में किसानों को पानी अगर मिल जाए तो मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है, यह ताकत है उसमें। लेकिन ये सरकार ऐसी है, देश की जो औसत है पानी नहीं है, उस इलाकों में भी जितना पानी पहुंचाने का प्रयास होता है त्रिपुरा में तो पानी है, वर्षा है, सब है, लेकिन देश की एवरेज से यहां पर आधा काम होता है, आधा। अगर इसी रफ्तार से चला तो आप पीछे ही चले जाएंगे, आप जहां है वहां से भी पीछे जाओगे। क्या त्रिपुरा को पीछे जाने देना है क्या? क्या त्रिपुरा को पीछे जाने देना है क्या? क्या त्रिपुरा को आगे लाना है कि नहीं लाना है? आपको भरोसा है कि भाजपा आगे लाएगी? आपको भरोसा है भाजपा आगे लाएगी? तो आपकी जिम्मेवारी है कि भाजपा की सरकार बनाइए और हमें आपके यहां सेवा करने का मौका दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच में आया हूं ये विश्वास दिलाने के लिए कि त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ दिल्ली कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा। आप आज जिस गति से चल रहे हो हम गति अनेक गुना बढ़ा देंगे। और भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कहते हैं उनको कि आपके ये ग्रह खराब है, फलाने ग्रह खराब है, तो आप अंगूठी में फलाना पत्थर भेजिए, कहते हैं। और लोग भांति भांति के रंग वाले पत्थर जड़े हुए अंगूठियां पहनते हैं और उनको लगता है
कि चंद्र इधर जाएगा या तारे इधर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो सब ज्ञान नहीं है। तो बोले ये पत्थर जड़ देंगे तो आपको बचाएंगे। 20 साल पहले आप लोगों को लगा कि त्रिपुरा को मुसीबतें हैं, उसे मुक्ति पानी है, तो एक माणिक को जड़ दिया जाए। तो आपने अपनी अंगूठी में त्रिपुरा में एक माणिक को जड़ दिया, लेकिन ये शास्त्र वाले कहते हैं कि अगर गलत पत्थर जड़ गया, जो चाहिए वो पत्थर के बिना दूसरा जल गया, तो जो है वो भी बर्बाद हो जाता है। आपके त्रिपुरा में ये माणिक जो जड़ा हुआ है ना, ये जब तक हटेगा नहीं, ये कोई ग्रह आपके काम आने वाले नहीं। और इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी के चक्कर से मुक्त हो जाइए, ये अंगूठे में जड़ने वाले माणे से मुक्ति ले लीजिए। अब तो त्रिपुरा को माणिक नहीं हीरा चाहिए, हीरा चाहिए। और मैं आपको हीरा लेकर के आया हूं भाइयों बहनों। और जब मैं हीरा की बात करता हूं तो हीरा का एच का मेरा मतलब है हाईवे, हीरा का आई का मतलब है इंफॉर्मेशन वे, आई वे, हीरा का आर का मतलब है रेलवे, हीरा में ए है, ए का मतलब है एयरवे। त्रिपुरा का भाग्य बदलने के लिए हाईवे, आईवे, रेलवे, एयरवे, हर प्रकार की कनेक्टिविटी चाहिए। ये हीरा आपका भाग्य बदल देगा। हमें अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को रोजगार देना है, तो त्रिपुरा की जो शक्ति है उस शक्ति को पहचान करके योजना बनानी। टूरिज्म के लिए त्रिपुरा में भरपूर संभावनाएं पड़ी। देश और दुनिया त्रिपुरा देखने के लिए पागल की जा सकती है, लोग आ सकते हैं। ये हीरा कनेक्टिविटी के द्वारा ये संभव होगा। यहां के नौजवान, उनको अगर उचित ट्रेनिंग मिल जाए तो भाई बहनों ये भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी पूजाओं में दम होता है, उसे हुनर चाहिए और स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग हो। और तीसरा, यहां से ट्रेड के लिए अवसर पैदा हो। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के साथ, यहां के पड़ोस के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड को बढ़ावा मिले, यहां के लोगों की चीजें बिके, दुनिया के बाजार में जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जमीनी काम के लिए आपको हीरा चाहिए और त्रिपुरा का टीम, उसके साथ और तीन टी की जरूरत है। एक टी ट्रेड, दूसरा टी टूरिज्म, तीसरा टी ट्रेनिंग। ट्रेड, टूरिज्म और ट्रेनिंग ये यहां के नौजवानों का भाग्य बदल देंगे दोस्तों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, हमारे साथी दल को विजयी बनाइए और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आपके साथ जुड़ जाएगा। और इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके आवाज चारों तरफ पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, चलो पैदल।